दगड़ियों नमस्कार, अटक झटक पहाड़ से यूट्यूब चैनल में मैं बीरू बिरथवाल एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो आज है 20 दिसंबर, आज है कुछ हमारा स्पेशल डे। तो आज से हमने बिरथी वाटरफॉल में टिकट सिस्टम स्टार्ट कर दिया है। तो देखते हैं टिकट सिस्टम का क्या रहता है। आज का दिन पहला दिन है, अभी ओपनिंग करने जा ही रहे हैं और मैं डेली की तरह अपने नन्हे मुन्ने दोस्तों को भगाने जा रहा हूँ और देखते हैं टिकट सिस्टम का क्या होता है। बिक्की लोग पीछे से आ रहे हैं और सुंदर दा लोग भी आ रहे हैं पीछे से। तो मैं वहाँ पहुँचता हूँ डेस्टिनेशन एरिया में, तो फिर उसके बाद देखते हैं क्या रहता है आज का। ये है हमारी बिरथी वैली जो कि काफी सुंदर एरिया में है और मैं जा रहा हूँ गाय हकाने। हम जा रहे हैं टिकट काटने के लिए और हमारे आगे जा रहे हैं लक्ष्म है? हाँ, टिकट का शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो लक्ष्य भाई आपको कैसा लग रहा है? दोनों लक्ष्य है यहाँ, एक लच्छु है और दूसरा लक्ष्य और तीसरा धीरदा। तो लक्ष्म तो बताना चाहेंगे, आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सिस्टम है, जो भी आएगा अब टिकट दे के बिरथी फॉल घूमेगा। अच्छा, आज तक बिना टिकट के घूम लेते हैं, इतनी अच्छी सुंदर जगह। तो अब 20 मात्र एक व्यक्ति का 20 रुपया। तो लक्ष्य भाई के भाव कई बढ़िया हैं। तो लक्ष्य क्या कहना चाहेंगे आप? बस क्या बोलना चाहेंगे, सही है जो है गांव के लिए। चलो ठीक है, और हमारी धीरता बताएंगे दो शब्द। भाई इसका ये है, इसका महत्व हमने ये कर रखा है कि थोड़ा गांव भी डेवलप हो जाएगा। हाँ। जो है पर्यटकों का थोड़ा सा हो जाएगा, क्या बोलते हैं, सुविधाएं मिल जाएंगी उनको। अच्छा, जो पहले गंदगी होती थी वो गंदगी नहीं हो पाएगी। हाँ हाँ बोलो। ये चीजें देख के मद्देनजर रखते हुए हमने 20 रुपए टिकट का सिस्टम रखा है। खास है। चलो ठीक है, और बिक्की भाई क्या करना चाहेंगे? ये है कि डेवलपमेंट होगा और जो चीजें लोग बोलते थे ये होना चाहिए होना चाहिए, तो उसके लिए फंडिंग है वो इससे हो जाएगी, तो फिर डेवलपमेंट तेज से होगा और भी चीजें काफी सारी इम्प्लीमेंट करनी है, धीरे धीरे होगा। तो हमारे ग्राहकों को ये दिखा दीजिए, टिकट वगैरह दिखा दीजिए। ले जा रहे हैं, तो ये है टिकट और ओपनिंग के लिए बंद ले जा रहे हैं क्या? अच्छा, तो किटू साहब क्या कहना चाहेंगे? बस अच्छा कदम उठा रहे हैं हमारे गांव के युवा साथी, मैं तो यही कहूंगा। बाकी हम पीछे से हैं ही और गांव का जीर्णोद्धार भी हो जाएगा इससे। हमारा गांव पहले से यहां बहुत पर्यटक स्थल के नजरों में बहुत फोकस ही हुआ। फोकस क्या, यहाँ रैपलिंग हुई है कई, मतलब इतना लंबा झरना आज तक किसी इस उत्तराखंड स्टेट में है नहीं। तो हम यही कहेंगे युवा साथियों से, आप बढ़िए आगे, कोशिश करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे युवाओं का जोश काफी बढ़िया है और दिखाते रहते हैं आज का सीन क्या होता है। तो चलते हैं झरने में। हमसे पहले टिकट काटने पहुंचा है, क्यों गोलू टिकट काटेगा? तो गोलू भी यहाँ आ गया है टिकट काटने और भगत बना रहा है यहाँ पे। क्या बना रहा भगत? लोबिया बना रहा भगत। चलो बढ़िया है, आइए उचित मात्रा में खाइए। क्यों, कितने रुपए प्लेट? चलो ये बहुत बढ़िया स्कीम है। तो ये है महादेव रेस्टोरेंट बिरथी मैगी पॉइंट और जस्ट झरने के सामने आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही प्यारा बना रखा है। अरे लड़की रे हो, ऐसा मजाक कौन करता है यार? हम करते हैं, आप दोनों करते हैं, बता। बताओ तो। हाँ, तो शुभारंभ कर रहा है लक्ष्य भाई जय मानंदा भगवती से। तो झरने तक पहुंचते पहुंचते लक्ष्य भाई की हालत डाउन, क्या बोलते लक्ष्यम? है
पहुंच चुके हैं वाटरफॉल के जड़ में, और इसी वाटरफॉल में हमने वाटर रैपलिंग की थी और इसकी हाइट है 148 मीटर, और ये समुद्र तल से 1700 मीटर की ऊंचाई पे है। और यहाँ पे हम करेंगे थोड़ी बहुत पूजा। तो हमने पूजा करने का निर्णय झरने के जड़ में ही लिया, तो हम सभी झरने के जड़ में जाके पूजा अर्चना करेंगे। तो हमारी पूजा कंप्लीट हो चुकी है और हम ऊपर व्यू पॉइंट में आए और सभी ने टीका लगाया। हमारा पहला टिकट कट चुका है और फर्स्ट टिकट है धर्मेश भाई फ्रॉम भीमताल। तो तुलसम कैसा लगा पहला टिकट काट के? बढ़िया लगा। पहली टिकट 80, तो काफी बढ़िया है। चार लोगों का काटा बताइए। तो ये हमारे भीमताल के दुर्गेश भैया लोग जो कि टिकट काट के अभी झरने की ओर जा रहे हैं, यहाँ पे टिकट काटेंगे। और ये है हमारी सेकंड बुक। तो विकी कैसा लग रहा है ओपनिंग करके? तो गांव के डेवलपमेंट के लिए ये हमारे हिल स्टेशन बस्ती के युवाओं ने थोड़ा सा बहुत योगदान किया है, तो देखते हैं ये योगदान कहां तक सफल रहता है और गांव की भलाई के लिए ये टिकट किया गया। प्लीज टिकट देना मना ना करें ताकि आपका ही भविष्य सुधरे। शाम के 3 बज चुके हैं और हमारे कुछ और टिकट भी कट चुके हैं, तो थोड़ी देर में हम घर जाएंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। टूरिस्टों का रिएक्शन भी बहुत बढ़िया था, काफ़ी अच्छा स्वभाव था, टूरिस्टों ने भी बहुत सहयोग किया हमारे साथ, सपोर्ट किया, अच्छे से बोलने चालने के अच्छे थे। हमने रिव्यू भी लिया तो उनका फीडबैक था कि थोड़ा यहाँ सफाई करनी है और थोड़ा बैठने की व्यवस्था नहीं है और शौचालय की व्यवस्था नहीं है, तो हम शौचालय की व्यवस्था भी करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो देखते रहिए बीरूपंती प्लस अटक झटक पहाड़ यूट्यूब चैनल, और जो भी कमी पेश की होगी हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।